अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 HRM के इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के HRM के बारे में, ठीक है। HRM बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये हमारा एक इमेज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय ट्रेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सक्सेस बिजनेस वैल्यू रिवार्डिंग, ये हमारे HRM के फंक्शंस हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम आगे इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम HRM का डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्रिएटेड बाय द माइकल बियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एम्प्लॉयमेंट वेलबींग ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। Involving all the management decisions and action that affect the relationship between the organization and its employee, in other words, is human resources. ठीक है, human resource management एक involves होता है management, कोई भी decision लेने के लिए और एक effective relationship बनाने के लिए जो भी हमारे organization के अंदर जो employee होते हैं और उनके जो work culture relation को affect करते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं मैनेजर फंक्शन, ठीक है। तो मैनेजर फंक्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो मैनेजर फंक्शन जो है वो बेसिकली इंक्लूड करता है फर्स्ट प्लानिंग, ठीक है। पहला होता है इसमें प्लानिंग। तो प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ HRM दैट एंश्योर्स द बेस्ट फिट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड जॉब व्हाइल अवॉइडिंग मैन पावर शॉर्टेज और सरप्लस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो प्लानिंग जो होता है बेसिकली वो एंश्योर करता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज है और उनकी जो जॉब है वो एक बेस्ट फिट हो, ठीक है, और हमारा जो मैन पावर का शॉर्टेज हो या तो सरप्लस हो तो उसको किस तरह से हमको इवेल्युएट करना है उसके बारे में मैन पावर प्लानिंग करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके हम फोर कीज और फोर स्टेप्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। देयर आर फोर स्टेप्स ऑफ HRM प्रोसेस, एनालाइजिंग प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड, बैलेंसिंग प्रोजेक्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स डिमांड विद सप्लाई, अलाइनिंग द फर्स्ट थ्री स्टेप टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। ये तीन हमारे जो स्टेप्स हैं ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को फॉरवर्ड मूव होने के लिए और मार्केट में आने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ HRM दैट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एंश्योर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है तो उसमें उसका क्या होता है, बेसिकली फंक्शन होता है HRM का जो इन्वॉल्व होता है डेवलपिंग करना ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इवन इंश्योर करना कि हमारे जो गोल्स है उसको अकम्प्लिश कर सके। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर इज द यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट विच प्रोवाइड्स अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चेन ऑफ कमांड विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक हमारा जो चेन बनाना है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है ताकि जो भी हमारा जो प्लान है उसको हम स्मूथली इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स एक्टिवेटिंग एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड मेकिंग देम कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। जिस तरह से हमारे जो प्लान होता है और ऑर्गेनाइजिंग होते हैं और उस पर डायरेक्ट करने के लिए जो हमारे एक्टिविटी एम्प्लॉयज होते हैं, जितने एम्प्लॉयज उसके अलग अलग लेवल्स में आते हैं उनको कॉन्ट्रीब्यूट करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को हासिल किया जाता है। नेक्स्ट है टैपिंग मैक्सिमम पोटेंशियलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय बाय कॉन्स्टेंट मोटिवेशन, ठीक है। हम एम्प्लॉय को कॉन्स्टेंट मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। कंफर्ट कमांड इज अ प्राइम फोकस फॉर द फंक्शंस ऑफ HRM, ठीक है। यहाँ पे जो कमांड होता है कि किस तरह से हम कमांड दें और उनको राइट प्रॉपर ट्रैक पे रखें, तो ये हमारा बेसिकली डायरेक्टिंग का रोल होता है। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंट्रोल। कंट्रोलिंग क्या होता है, पोस्ट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन एम्प्लॉय वेरीफाइड एंड कंपेयर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल इफ द परफॉर्मेंस इज फाउंड डेविएटिंग फ्रॉम द प्लान कंट्रोल मेजर्स हैव बीन टेकन, ठीक है। अगर कुछ भी ट्रैक से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डेविएट हो रहा है इवेल्युएट हो रहा है तो उसको वेरीफाई करता है ताकि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको हम अचीव कर सकें। उसके परफॉर्मेंस के डेविएशन प्लान और कंट्रोल का जो मेजर्स है वो भी यहाँ पे टेक्स प्लेस कर सके। ओके, थैंक यू।